नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। न्यूयॉर्क में हर साल सितंबर में जुड़ते हैं दुनिया भर के दिग्गज। वैश्विक एजेंडे को लेकर होता है मंथन। इस साल दुनिया के नेताओं का महासभा के लिए आना नामुमकिन। संयुक्त राष्ट्र मना रहा है अपने गठन की 75वीं वर्षगांठ। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट, कोविड 19 के झटके से भारतीय इकोनॉमी हुई अस्त व्यस्त। वैश्विक इकोनॉमी में आने वाली है दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मंदी। इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में आएगी 5.2% की गिरावट। महामारी के कारण दुनिया भर में हाहाकार, लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। विश्व में 71 लाख के पार पहुंचे मरीजों की संख्या, तो 4,08,000 मरीजों ने तोड़ा दम। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2,66,000 के पार। अब तक 7,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान, तो अब तक 1,29,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिए काउंसलिंग सेंटर बनाने के आदेश। पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा भी होगा वापस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हुआ कोरोना टेस्ट, आज शाम तक आ सकती है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत रविवार शाम से गड़बड़, उन्हें खांसी और बुखार की शिकायत। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को हुआ कोरोना, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कराया था एडमिट। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत, माधवी राजे सिंधिया को हुआ कोरोना। राजस्थान में बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, राजस्थान में आज 144 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। प्रदेश में अब तक कोरोना से 251 लोगों की गई जान, 8,182 मरीज हुए ठीक। चूरू के तारानगर में कोरोना का प्रकोप जारी, आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। तीनों मरीजों को किया मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन। लॉकडाउन में शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे सोनू सूद की हर तरफ हो रही तारीफ। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने जिस तरह सोनू सूद की आलोचना की, उस पर काफी बवाल हुआ। संजय राउत ने सोनू सूद के प्रवासियों की मदद करने को राजनीति से प्रेरित बताया था। संजय राउत के बयान पर सोनू सूद का आया रिएक्शन, कहा मैं किसी के खातिर कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस प्रवासियों के लिए कुछ करना चाहता था। संजय राउत अच्छे इंसान है और मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं, मेरा राजनीति में आने का नहीं कोई इरादा। बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल ने बढ़ाई चिंता। मौसम विभाग का पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का अनुमान, इससे कई राज्यों में बारिश होने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश तट से लगे क्षेत्रों, उसके पास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना। खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने दी चेतावनी, क्षेत्र में मछुआरों और समुद्रों में नहीं उतरने की यहां पर सलाह। पंजाब के फरीदकोट जिले में महिला का दुपट्टा बाइक की चेन में फंसने से हुई दर्दनाक मौत। बेटी से मिलने बाइक पर सवार होकर जा रही थी बुजुर्ग महिला, दुपट्टा बाइक के पहियों में फंसने से महिला की गर्दन अलग दूर जा गिरी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला ने बीच बाजार सौतन को गोलियों से भुना। बाजार से दवा लेकर लौट रही थी 7 महीने की गर्भवती महिला, देसी कट्टे से 4 गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में 6 बदमाशों और 2 पुलिसवालों को लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, पकड़े गए बदमाशों से भारी मात्रा में लूट और चोरी का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के डिबाई से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित एक बार फिर चर्चा में। कोरोना के दौरान समर्थकों के साथ हाईवे पर फरसे से काटा केक, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। नियमों की धज्जियां उड़ाकर कई युवाओं के साथ दिख रहे पूर्व विधायक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने की सरपंच की गोली मारकर हत्या, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे सरपंच। हत्या करने वाले आतंकियों की नहीं हुई पहचान, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। केरल में हत्या के बाद कुत्ते से हैवानियत, केरल के त्रिशूर से एक मासूम जीव के मुंह को टेप से कसकर बांधा। पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर सर्विसेज के सदस्यों ने कुत्ते को करीब 2 हफ्तों बाद बचाया। टेप हटने के बाद उसने करीब 2 लीटर पानी पिया। कोरोना ने बदली चुनाव प्रचार की तस्वीर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी तैयारी शुरू। गृहमंत्री अमित शाह की पहली वर्चुअल रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने किया संबोधित। अगले साल होने हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव।
कांग्रेस भाजपा के दिग्गजों में शायराना जंग जारी। राजनाथ सिंह की शायरी पर राहुल गांधी ने किया पलटवार, कहा टिप्पणी हो गई हो तो सवालों के जवाब दे रक्षा मंत्री। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का किया उल्लंघन, 12 घंटे में दूसरी बार किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पुंछ नियंत्रण रेखा पर कर रहा तीव्र गोलीबारी, भारतीय सेना ने की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई। पंजाब के मोगा जिले में जमीन विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग, हेड कांस्टेबल की मौत, दो पुलिस वालों समेत 4 घायल। पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान गांव के ही गुरविंदर सिंह के रूप में हुई। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर तय समय पर नहीं खुलने से श्रद्धालु हुए परेशान, बाबा के दर्शन के आस लिए सुबह से ही मंदिर में लगी थी कतार। मंगला आरती के बाद दर्शन के लिए श्रद्धालु को गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश देने की बात कही गई, ऐसा नहीं होने से श्रद्धालुओं में दिखा रोष। देश के 20 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने शून्य मासिक जीएसटी रिटर्न भरने वाले कारोबारियों के लिए एसएमएस सेवा की शुरू। रजिस्टर मोबाइल नंबर से करना होगा, 14409 पर एसएमएस, और इसी महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक होने की भी संभावना। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस मार्केट में उतार रही है एक नया मिड रेंज स्मार्टफोन, भारत में 10 जुलाई को हो सकता है लॉन्च। वन प्लस 8 लाइट स्मार्टफोन कंपनी ने 2 जुलाई को एक ऑनलाइन इवेंट आयोजित करने का किया ऐलान। चीनी स्मार्टफोन वन प्लस 8 आज से भारत में मिलना शुरू, भारत में आज दोपहर 12 बजे हुई सेल। वन प्लस 8 को अमेजन इंडिया और वन प्लस की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। वन प्लस 8 का 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट और 41,999 रुपए में ये उपलब्ध। सैमसंग के 2 नए स्मार्टफोन गैलेक्सी M01 और गैलेक्सी M11 की सेल आज से भारत में शुरू, दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई सेल। सैमसंग गैलेक्सी M11 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 10,999 रुपए, गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन 8,999 रुपए में उपलब्ध। सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया गैलेक्सी टैब S6 लाइट, इस टैब के साथ एस पेन भी दिया जाएगा। गैलेक्सी टैब S6 लाइट के 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी LTE वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपए, वाईफाई वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपए। यूजर्स के प्राइवेट इंटरनेट यूज को ट्रैक करने के लिए गूगल पर कैलिफोर्निया के सैन होजे में $5 बिलियन का मुकदमा, कहा कंपनी गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड मैनेजर और दूसरे एप्लीकेशन वेबसाइट प्लगइन के जरिए यूजर्स को करता है ट्रैक। फ्लिपकार्ट का एंटरटेनर No.1 कॉम्पिटिशन जीतने वाले टिकटॉक स्टार बाबा जैक्सन उर्फ युवराज चर्चा में, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे सितारे वीडियो को किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल। युवराज के पिता एक मजदूर हैं और घरों में टाइल्स लगाने का करते हैं काम। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए हुई इंग्लैंड रवाना, पूरी टीम का कराया गया था कोविड-19 टेस्ट। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचने पर पूरी टीम क्वारंटाइन, फिर से होगा कोविड-19 टेस्ट। फिल्म मेकर करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना अब नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज, इसका ऐलान करण जौहर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा। फिल्म गुलाबो सताबो घूम केतु और चौक्ट के बाद अब जाह्नवी कपूर की ये फिल्म भी दर्शक OWG प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों का आतंक, दिन दहाड़े दिया लूट की वारदात को अंजाम, 95,000 की नकदी और लैपटॉप लेकर हुए फरार, तो वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, फायरिंग में 4 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने फाइनेंस कर्मचारियों को बनाया निशाना, 3 बदमाशों ने हथियारों की नोक पर की लूट, 1,50,000 रुपए लूटकर बदमाश हुए फरार। यूपी के पीलीभीत में टाइगर के हमले से एक युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी और रेंज ऑफिस में लगाई आग, टाइगर की मूवमेंट से लोगों में डर का माहौल। एमपी बोर्ड के बचे हुए पेपर्स की परीक्षाएं आज से हुई शुरू, प्रदेश भर के करीब 8.5 लाख छात्रों के लिए बनाए गए 4,000 केंद्र, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हुई छात्रों की एंट्री। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारियां, भारत निर्वाचन आयोग ने सीईओ आनंद कुमार को बनाया पर्यवेक्षक, वहीं विधानसभा सचिव होंगे रिटर्निंग अधिकारी, जब मतदान होगा तब सचिव कहलाएंगे पीठासीन अधिकारी।
प्रदेश में 29 जून से खुलेगी रेगुलर अदालतें। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया निर्णय। हाईकोर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में रिव्यू बैठक का आयोजन। जयपुर जोधपुर के अधिकांश हाईकोर्ट जज वीसी में रहे मौजूद। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि। कहा, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनका साहस, संकल्प और बलिदान देता है हमें प्रेरणा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में ऑनलाइन ठग गिरोह सक्रिय। पुलिस के नाम पर लोगों को साइबर ठग बना रहे निशाना। पीड़ित ने पुलिस थाने में कराई रिपोर्ट दर्ज। सीकर के अजीतगढ़ में 8 माह की गर्भवती महिला का गर्भपात करने का मामला आया सामने। परिजनों का आरोप, अस्पताल की लापरवाही से हुई मौत। विवाहिता के भाई ने गीतांजलि अस्पताल के खिलाफ करवाया मुकदमा दर्ज। पुलिस जुटी मामले की जांच। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने बिना मास्क पहने लोगों के काटे चालान। 19 लोगों से वसूला जुर्माना। बिना कागजात 9 वाहन किए जब्त। बाजार में बिना मास्क घूमने वालों पर की कार्रवाई। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर पुलिस थाने में सांपों का डेरा। खौफ के साए में जी रहे पुलिसकर्मी। अब तक सपेरे के शिकंजे में फंसे 3 सांप। बीकानेर के खाजूवाला में ट्रक की चपेट में आई ऊंट गाड़ी। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत तो 6 लोग हुए घायल। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। लॉकडाउन खुलने के बाद जोधपुर में बढ़ा अपराध का ग्राफ। अशोक कॉलोनी में मुंह बोले भाई ने की बहन की हत्या। हत्या के बाद गला काटकर खुद भी की आत्महत्या। लालसोट के मुंडिया गांव में दलित परिवार के साथ अत्याचार। दबंगों ने धारदार हथियार से किया हमला। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। भीलवाड़ा के बिजौलिया में वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक चालक की हुई मौत। पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गुहाना के जैतपुर गांव में 2 दोस्तों की निर्मम हत्या। कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट। प्रेम प्रसंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के देसुरी में दबंगों ने दिखाई दबंगई। युवती से छेड़छाड़ के बाद दबंगों ने की भाई की पिटाई। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। जयवंत कला गांव का पूरा मामला। डूंगरपुर में महिला का वीडियो वायरल। वीडियो में चिकित्सा विभाग पर लगाया आरोप। कोविड सेंटर में व्यवस्थाओं की खुली पोल। 12 के कस्बा थाना में नल के पानी में सांप जैसा निकला कीड़ा। लोगों में दहशत का माहौल। कई बार गंदा पानी की शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस। जालौर के आहौर में टिकटॉक का विरोध शुरू। मीणा समाज ने की आपत्तिजनक वीडियो के मामले में कार्रवाई की मांग। पूरे समाज में रोष व्याप्त। एवन तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।